गुड मॉर्निंग, आज है सैटरडे, हमारा सेकेंड लास्ट डे है मॉरिशस में। कल हम लोग निकलने वाले हैं वापस इंडिया के लिए, और आज का दिन और कल का दिन फ्री होने वाला है। फ्री का मतलब ये है कि आज कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारे जितने भी टूर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का दिन कल का दिन चिल है। आज होटल की तरफ से हमको दो एक्टिविटीज़ मिल रहे हैं, जैसे स्नॉर्कलिंग और बोट राइड। ये दोनों फ्री एक्टिविटीज़ हैं होटल की तरफ से। लेकिन सुबह हमने पता किया कि कब होने वाली हैं एक्टिविटीज़, तो उन्होंने कहा कि 11 बजे और 2 बजे एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा वेदर पे और सी कंडीशंस पे कैसे होता है ये, तो वो तो वहीं पे जाके देखना पड़ेगा कि कैसे है। तो कुछ बातें आपको इस होटल के बारे में बता देता हूँ। ये है लव मेरिडियन, और ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है रिजॉर्ट्स में और होटल्स में। सर्विस अच्छा है, खाना अच्छा है, लोग ठीक हैं, व्यू बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और क्या चाहिए आपको वेकेशन में। तो जब हम लोग इस बार आए हैं मई 2019 में, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो एक हिस्सा जो रिज़ॉर्ट का है वो बंद है, तो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो आज अभी जाएंगे हम लोग, ब्रेकफास्ट करेंगे। इनफैक्ट आज हम लोग सबसे ज़्यादा लेट उठे हैं, मतलब जितने भी दिन हमारे टूर्स रहे हैं या कुछ पैकेजेस रहे हैं, हम लोग जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर गए हैं। आज काफ़ी लेट उठे हैं और आज जाएंगे, दबा के खाएंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद देखते हैं दिन कैसे चलता है। आपको तो सब दिखाऊंगा मैं, तो अभी चलते हैं और भोजन करते हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं बोट राइड पे। एक्चुअली सुबह 11 बजे हमारा स्नॉर्कलिंग सेशन था, जो कि हमको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि स्नॉर्कलिंग करने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्विमिंग आनी चाहिए, जो मुझे नहीं आती है और मेरी वाइफ को भी नहीं आती है। इसके लिए हमने स्नॉर्कलिंग को कैंसिल कर दिया, और अब लगभग 2 बज रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं बोट राइड के लिए। ये ग्लास बोट राइड है, जो कि फ्री है इस होटल की तरफ से। यहाँ पे जो बोट है उसके फ्लोर पे कांच होता है, ताकि आप नीचे ओशन में देख सकते हैं, कोल्स देख सकते हैं, आप फिशेस देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोट राइड पे।
तो हम लोग ठहरे हैं लव मेरिडियन होटल में, और ये जितने भी रिसर्च हमने किए थे होटल के बारे में यहाँ पे कि जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा लव मेरिडियन अच्छा लगा था, क्योंकि जो व्यू है बीच का वो सबसे ज़्यादा मुझे क्लीन लगा था विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। मतलब आप बीच देखेंगे तो काफ़ी क्लीन बीच है, कोई पत्थर वगैरह नहीं है, रॉक्स नहीं है, तो आप कभी भी चाहें चल सकते हैं, बीच पे जाके वॉकिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। आज है संडे, आज हमारा लास्ट डे है मॉरिशस में, आज हम लोग वापस चलेंगे इंडिया मुंबई। बड़ा अच्छा गया ये 4-5 दिन जो हम लोगों ने बिताया मॉरिशस में, एक हफ्ता एक्चुअली, नॉट 4-5 दिन, एक हफ्ता हम लोगों ने अच्छी तरीके से बिताया, अच्छी अच्छी जगहें देखी, वो सारी चीज़ें की जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर लेके आ पाया और उनको एक अच्छा टाइम दे पाया यहाँ पर। और बस आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे हैं, कुछ नया करने की कोशिश की है हम लोगों ने, कुछ सिनेमैटिक वीडियोज़ लिए हैं, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।